ये ब्रह्मपुत्र नदी है। 2 साल पहले फजर अली ने इस नदी में कूद कर जान देने की कोशिश की थी, क्योंकि उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप था। आज फजर अली आजाद हैं, सीजेपी टीम की कोशिशों की वजह से। आखिर क्या है उनकी कहानी? जब उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा, तब काम की तलाश में फजर अली दिल्ली गए थे। फॉरेनर ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई तो वो पेश नहीं हो पाए। इसीलिए सारे कागज होने के बावजूद पेट पालने की दौड़ भाग में वो एक विदेशी करार दिए गए। बॉर्डर पुलिस आई तो डर के मारे फजर अली पहले तो गायब हो गए, फिर अपनी जान लेने की कोशिश करी। वो बच तो गए, पर उन्हें बॉर्डर पुलिस पकड़ के ले गई और डिटेंशन कैंप में भेज दिया। तब कमला इनकी पत्नी गर्भवती थी। फजर अली के बारे में पता चलते ही हमने पहले तो उनके परिवार को ढूंढ निकाला, फिर दूसरे काम किए, जैसे कागज ढूंढना, जमानतकर्ताओं से बातचीत करना, प्रशासन के साथ काम करना, और आखिरकार हम लोग उन्हें बेल पे रिहा कर पाए। दो साल बाद फजर अली आजाद हैं और पहली बार अपने बेटे जहांगीर से मिल रहे हैं। धन्यवाद আমি জানাই আপনারা বার করে দিলেন পয়সা করি না গেল না এটাই আপনাদের ধন্যবাদ। फजर अली की तरह कई लोग अभी भी आसाम के डिटेंशन कैंप में उनकी नागरिकता पर उठाए गए सवाल से जूझ रहे हैं। उन तक पहुंचने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी इस कोशिश में हमारी मदद कीजिए।